वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इसका डाटा और इसे जो समझने का तरीका है वो शायद अभी तक शायद किसी यूट्यूब वीडियो में उसका कंटेंट जो है प्रेजेंट नहीं है। और इसे 101% क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आपको कोई पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या आपके पीएचडी लेवल तक का एग्ज़ाम हो या कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तब भी इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक कॉमन वीडियो है सभी के लिए, चाहे वो फार्मा के स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स के लिए एग्ज़ाम देते हैं या कोई भी स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम होता है तो उसमें इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ICMR में पार्ट ए में जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आती है वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। तीन चीज़ें हैं मेनली जहाँ पर कन्फ्यूज किया जाता है, तीनों चीज़ ये एक मेमोराइजिंग थिंग है। अगर मैं कहूँ अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा आपको थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा, लेकिन ये डाटा बिल्कुल ठीक होना चाहिए। सबसे पहली बात ये होती है कि आपके पास जो डाटा है वो ठीक होना चाहिए, उसके बाद आपको मेमोराइजिंग का स्टेप आता है। तो ये एक तीन चीज़ें हैं कि हमें जो कलर मेनली ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से बनता है, या मैं कहूँ कलरीमीटर का कोई कॉन्सेप्ट है जो ये बनता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ऑप्टिक्स वगैरह पढ़े हैं 12th क्लास में फिजिक्स में, तो वहीं से कुछ रिलेटेड है। आप कर सकते हैं वेवलेंथ रेंज है, वेवलेंथ का जो कलर होता है वो एब्जॉर्ब्ड है और कलर सीन बाय द आई। एक वेवलेंथ होती है जो आपने देखा होगा, एक प्रिज्म से जब हम वाइट लाइट को पास आउट करते हैं तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है, ये जनरल फिनोमेना सबको पता है। उसकी एक वेवलेंथ होती है, एक रेंज होती है। अब कोई भी सब्सटेंस है वो उस रेंज की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। जैसे आपने कोई आपने सीधा उसमें से आपकी विजिबल रेज थी, एक वाइट रेज थी जो प्रिज्म में से पास हुई, उसके बाद कलर रेज निकली, फिर आपने किसी सॉल्यूशन से पास आउट करा, तो किसी एक पर्टिकुलर रेंज की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन एब्जॉर्ब करने के बाद जो सॉल्यूशन का कलर है वो हमें दिखाई कैसे देगा वो भी डिपेंड करता है, हमारी आईज में कैसे वो कलर दिखाई देगा, क्या कलर होगा वो एक दूसरी चीज है। तो पहली जो रेंज है वो 380 to 480 है। इसमें जो कलर ये जो रेंज है वेवलेंथ की, ये एब्जॉर्बिंग जो रेंज है, वेवलेंथ रेंज जो एब्जॉर्ब हुई है ये वो है, ये वो है 380 to 430 जो कलर एब्जॉर्ब होता है, या जो इस कलर में वेवलेंथ का जो कलर है वो वायलेट है। आपको एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशनशिप पता होना चाहिए, अपोजिट होता है। अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी, अगर एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी, तो हम कह सकते हैं कि अपोजिट रिलेशन है। तो 380 to 430 जो है वेवलेंथ, उसमें कलर एब्जॉर्ब होता है वायलेट, जो हमारी आंखों को कलर दिखाई देता है वो येलो ग्रीन दिखाई देता है, वायलेट एब्जॉर्ब होता है येलो ग्रीन दिखाई देता है। ICMR में क्वेश्चन कुछ इसी तरह का पूछा था, शायद वो क्वेश्चन था ब्लू पे, क्वेश्चन था कि ब्लू एब्जॉर्ब होता है तो हमें कैसा कलर दिखाई देता है, वही है। तो 430 to 480 जब एब्जॉर्ब होता है तो ब्लू कलर एब्जॉर्ब होता है और हमें दिखाई कैसे देता है, वो येलो कलर दिखाई देता है। इसमें कुछ आपका यानी जो डाटा है वो डायरेक्टली कलर से पूछा जाता है, दो कलर का कॉम्बिनेशन नहीं पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा जाता है मेनली वॉयलेट ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, इनसे ज़्यादा पूछा जाता है, कम्बिनेशन कम पूछा जाता है, जैसे ग्रीन ब्लू, ब्लू ग्रीन और येलो ग्रीन, ये कम्बिनेशन कम पूछा जाता है और डायरेक्ट कलर्स हैं जो वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो 430 to 480 जब वेवलेंथ जो कलर है वो ब्लू है वो एब्जॉर्ब होता है, तो मीन्स येलो कलर है जो हमारी आई को दिखाई देगा। एक और तरीका भी होता है पूछने का इसी टॉपिक से कि कोई सॉल्यूशन है उसने इस कलर को एब्जॉर्ब किया तो हमें कैसा कलर दिखाई देगा, ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार कोई भी पीजीआई एंट्रेंस एग्जाम, चाहे आप डी यू का दे रहे हैं, जेएनयू का है, बीएचयू का है, किसी भी यूनिवर्सिटी का है, पीएचडी या पीजी के लिए एग्जाम है, तो उसमें एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है सॉल्यूशन का। 480 to 490 नैनोमीटर ग्रीन ब्लू और ब्लू ग्रीन, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप कहेंगे ग्रीन ब्लू और ब्लू ग्रीन सेम है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब हम रेड और ब्लैक को मिक्स करते हैं तो ब्राउन कलर बनता है, ऐसे ही जब हम ग्रीन को ब्लू के साथ मिक्स करते हैं तो एक अलग कलर बनता है, और उसमें ब्लू और ग्रीन तो मीन इनकी जो इनका प्रोपोर्शन है, रेशियो है, उसका फर्क होता है।
जब आप ग्रीन ब्लू की बात कर रहे हैं तो ग्रीनिश कलर ज्यादा होगा, जब आप ब्लू ग्रीन की बात कर रहे हैं तो ब्लू कलर का जो रेशियो है वो ज्यादा होगा. आई डोंट हैव स्केच ऑफ दैट काइंड, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट राइटिंग इट, आई एम नॉट शोइंग इट. तो 480 टू 480 नैनोमीटर में जो होता है वो ग्रीन ब्लू कलर का जो एब्जॉर्ब होता है, और हमें दिखाई कैसा देता है, वो ऑरेंज कलर दिखाई देता है. नेक्स्ट इज 500, इट्स ब्लू ग्रीन कलर है जो एब्जॉर्ब होता है और हमें दिखाई कैसा देता है, रेड कलर हमें दिखाई देता है. 500 टू 560, एक और भी आपको जो है पता लग जाएगा, जब यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वेवलेंथ के बीच में वो कम होगा, तो मींस वहां पर एक कॉम्बिनेशन ऑफ कलर प्रेजेंट होगा. जहां डिफरेंस ज्यादा होगा अराउंड 50 या 60, वहां पर एक पर्टिकुलर कलर होगा, लेकिन जहां पर स्मॉल वेवलेंथ में डिफरेंस होगा वहां पर कॉम्बिनेशन होगा. तो ये दो एग्जांपल अभी तक कॉम्बिनेशन के थे. 500 टू 560 ग्रीन कलर है जो एब्जॉर्ब होता है और हमें दिखाई कैसा देता है, वो आई से जब हम देखते हैं तो पर्पल कलर हमें दिखाई देता है. आप कोई ट्रिक भी बना सकते हैं याद रखने के लिए, वैसे जनरली याद हो जाएगा, इतना मुश्किल डाटा नहीं है. 560 टू 580 यहाँ पर जो डिफरेंस वेवलेंथ का कम हुआ है, येलो ग्रीन हुआ है, तो वो हमें वॉयलेट कलर का दिखाई देता है. 580 टू 590 यहाँ पर जो है वो येलो कलर है, पर्टिकुलर एक येलो कलर है, और ब्लू हमें दिखाई देता है. यहाँ पर आप सीधा ही आपको पता लग जाएगा, जो यहाँ है वो यहाँ अपोजिट होता जा रहा है. जैसे आप देखेंगे यहाँ पर था वॉयलेट येलो ग्रीन, तो यहाँ हो जाएगा येलो ग्रीन वॉयलेट. यहाँ था आपका ब्लू और येलो, यहाँ हो जाएगा येलो और ब्लू. ऑरेंज में देखेंगे आप ग्रीन और ब्लू, ऑरेंज ग्रीन और ब्लू. तो आपको चार या पांच आप याद रखेंगे, बाकी उसके अपोजिट है. तो 580 टू 590 येलो होता है ब्लू कलर का, यहाँ से जस्ट अपोजिट करना है आपको. ट्रिक यहीं बनेगी इसकी, एक चार आप याद कर लीजिए, बाकी आपको अपोजिट लिखना है. 590 टू 610 इज ऑरेंज और हमें दिखाई कैसा देता है, वो ग्रीन ब्लू हमें दिखाई देता है. 61 टू 750 रेड कलर की वेवलेंथ इसलिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा है, तो इसलिए इसको ट्रैफिक लाइट्स वगैरह में यूज किया जाता है ताकि दूर से दिखाई दे जाए. 610 टू 750 इज ब्लू ग्रीन, तो रेड कलर जो होता है तो ब्लू ग्रीन दिखाई देता है. तो इस तरह के जो इस क्वेश्चंस है सॉल्यूशंस में ये आपसे पूछे जाते हैं. एक सिंपल सी वीडियो थी, लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे एब्जॉर्ब होता है और हमें किस तरह का जो कलर है वो दिखाई देता है. तो आप एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए, उसमें भी थोड़ा पूछा जाता है, और वेवलेंथ और कलर एब्जॉर्ब और कलर से, इन तीनों में से क्वेश्चन पूछा जाता है. जो फार्मा स्टूडेंट है उनके लिए मेनली वेवलेंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनसे वेवलेंथ पूछी जाती है, जो जीपैट नाइपर का एग्ज़ाम होता है. बाकी जो दूसरे ICMR CSIR का जो एग्ज़ाम्स है उनमें होता है, वहाँ पर कलर पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि कलर किस तरह का दिखाई देगा. तो ये दो चीज़ें थी आपको याद रखनी है ज़रूरी, अगर आप PG एंट्रेंस के लिए या ICMR JRF के लिए जा रहे हैं. CSIR नहीं पूछता इस तरह का क्वेश्चन, बहुत रेयर चांसेस हैं कि CSIR ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे. तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो. अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे.